जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम निफ्टी 50 की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आपसे बीच लाए हैं, जो कि कल के लिए होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपायरी को फिर बनेगा पैसा। तो क्या आज बना था? बिल्कुल बना था। आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हालांकि लाइव मार्केट में मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कम यूज करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। बट यहाँ पे दिखाने के लिए, मैं आप सभी को समझाने के लिए, लेवल्स निकालने के लिए, लेवल्स समझाने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हूँ। यहाँ पे मैंने कल आप सभी को बताया था कि अगर 17,700 से नीचे आती है मार्केट, तो फिर 600 और 500 के ये लेवल्स आप सभी को निफ्टी 50 में देखने को मिलेंगे। मैं लाइव आया, उस पर भी मैंने लेवल लगा लिया हुआ था, बट यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा था। इस सपोर्ट जोन पर मैंने कहा था कि फर्स्ट टारगेट है ये, आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए आप सभी लोग। दोस्तों, कल के लेवल्स के बारे में बताएंगे, उससे पहले बता दें, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो क्या कर रहे हो भैया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के पर्टिकुलर लेवल्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट करके देख लो। अदरवाइज ऐसे सर्च करोगे तो तमाम सारे फेक चैनल्स भी हमारे नाम से हैं, तो फेक चैनल मत ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे दोस्त को भी फेक चैनल ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप सभी से पैसे की डिमांड की जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा ना तो कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है और ना ही पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे आप सभी से सिर्फ सपोर्ट इस चीज का चाहिए, क्योंकि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आप सभी से पैसे की चाह नहीं है, आप सभी से प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें, पैसा मुझे मार्केट दे रही है। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे जो लेबल्स हमने लगा के रखे थे कल, उन लेबल्स को एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस जगह पे मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करके ऊपर की तरफ गई और 600 का लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मैं बॉक्स में ड्रा करने का प्रयास करूंगा। ये बॉक्स में ड्रा करते हैं हम, थोड़ा सा इसको रेक्टेंगल टूल लेते हैं, ठीक है। और 600 से ये लेवल हम निकाल के लाते हैं यहाँ पे 550 तक के लेवल के आस। 550 पे तो है ये, 500 का लेवल यहाँ पे देखिए, ये मैंने 500 का लेवल ड्रा कर लिया। अब ये एक मैंने क्यों ड्रा कर लिया है, मैंने इसलिए ड्रा किया है क्योंकि भैया कल मार्केट जो है निफ्टी 50 17,600 से और 17,500 के बीच में रेंज बाउंड रह सकती है, या फिर इस रेंज में आपको ज्यादा टाइम बिताती हुई दिखा सकती है। तो ये रेंज आपके लिए निफ्टी 50 में प्रॉफिटेबल रेंज कब होगी, जब आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके प्रॉफिट बनाएंगे तब। अदरवाइज इसी रेंज में बहुत सारे लोग पैसे गंवाएंगे भी, आज यही चीज आप सभी को बताना चाहता हूं मैं। बट इस रेंज में यहां से कॉल साइड की पोजीशन और यहां से पुट साइड की पोजीशन आप ले सकते हैं। इस रेंज में एक दो बार, तीन बार प्रॉफिट एंड एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, बनती है। कैसे बनती है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने बताया था 500 का टारगेट, तो 500 के टारगेट के आसपास आई नहीं, यहीं से रिवर्स कर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद में फिर से थोड़ा सा करेक्शन करके नीचे की तरफ आ रही है। तो कल अगर गैप डाउन होती है और इस हमारे लेवल को, जो आज का डे लो है, इसको ब्रेक करती है, देखो चीजों को समझिएगा, ना समझ में आए कमेंट करके दो बार तीन बार पूछ सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं। आज के डे लो के नीचे जाती है तो आपको 17,500 से फिर से ऊपर की तरफ रिवर्सल मूव देखने को मिल सकता है और ये 17,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होती है तो 600 जाने के बाद में फिर 600 से मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है, ये पॉइंट है, ठीक है। एज इट इज अगर ऐसे ही फ्लैट मूवमेंट में ओपनिंग कराती है तो मार्केट का ट्रेंड देखना है कि किधर जा रही है, फिर मुझे मार्केट थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर ऊपर जाती, ऊपर से नीचे आती, तब हम डाउन साइड में पोजिशन बनाएंगे, नीचे आती, नीचे से ऊपर जाती, तो हम अप साइड में पोजिशन बनाएंगे। अगर इन लेवल्स से परे हमें कुछ लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 17,600 के ऊपर मुझे मार्केट देखने को मिल रही है, ट्रेड कर रही है, तो हम यहां से 17,650 का टारगेट लेंगे एंड देन उसके बाद में 17,700 का ये टारगेट ले लेंगे, ठीक है। 17,700 के जब तक ऊपर नहीं जाती है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूं, हाँ 17,650 ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है एक सप्लाई जोन 15 मिनट के कैंडल पे, ठीक है। 17,660 ये चीज हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। 770 ये 800 का लेवल, छोड़ो इसको, ये लेवल ही डिलीट कर देते, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इस प्रकार से, ओके। अब समझिए 17,600 के बाद मुझे लेवल मिलेगा 17,650 का, 60 का, सॉरी 17,660 का ये लेवल मिलेगा मुझे एग्जैक्ट। मैं इस लाइन को 660 पे ही कर देता हूँ, चलिए 61 पे है राउंड फिगर।
यहां से सेलिंग आ सकती है, मतलब यहां से पुट की पोजीशन बनेगी एकदम पक्का है। तो यहां पे अगर थोड़ा सा नीचे आने लगती तब आप पुट बनाइए, यहां पे 20% स्टॉप लॉस के साथ अगर आपका लग जाता है पुट में, यहां से अगर आप बनाते हैं तो ऊपर कॉल साइड में आप पोजीशन बना के स्टॉप लॉस रिकवर कर सकते हैं। बट 17,660 से सेलिंग आनी 85% क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं आती, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती रहती है और ऊपर जाने लगती है, तो हमें आज का जो डे हाई है या फिर हम यूं कहें कि 17,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मतलब निफ्टी 50 150 पॉइंट की रिकवरी ऊपर की तरफ कर सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं अगर 17,660 से वापस नहीं लौटी ऊपर ही जाने लगी तो, ठीक है। अदरवाइज 17,760 के नीचे हमें टारगेट कौन कौन से लेने हैं, अगर यहाँ पे हमने पुट की पोजीशन बनाई है तो टारगेट क्रमशः 17,600 का लेंगे, देन उसके बाद में 17,500 का टारगेट ट्रेलिंग करते करते ले आएंगे, ठीक है। अब अगर 17,500 से नीचे मार्केट आती है तो कौन से लेवल्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी पुट साइड में हम पुनः फिर बनाएंगे जब 17,500 के नीचे ये आती है तो, ठीक है। ये लेवल हो जाते हैं 17,350। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पुट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको डाउन 17,500 के नीचे हमें पुट साइड की पुनः एक बार एंट्री बनानी, प्रेस एंट्री यहीं से बनेगी, ठीक है। और 17,400 ये हमें लेवल लेना है, बट 50-50 पॉइंट का डिफरेंस रखेंगे निफ्टी 50 में, क्योंकि 50-50 पॉइंट पे डिफरेंसेस पे स्ट्राइक प्राइजेस सेंस होया करती हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट 50-50 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा लॉजिक है, ये छोटा ट्रेडर का लॉजिक है भैया, छोटा ट्रेडर डंकी की चोट पे यहाँ लाइव मार्केट में जो है चार्ट बनने से पहले प्रेडिक्ट करता है, चार्ट बनने से पहले लाइव मार्केट में आप सभी को बताता है। चार्ट बनने के बाद तो बहुत सारे लोग बता देते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये स्टडी वो स्टडी, कोई स्टडी स्टडी नहीं है, हमारे साथ जुड़ो आप सभी को प्रॉफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा अगर सभी रूल्स को फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे 17,400 के बाद में फिर आपको लेवल मिलेगा 17,250 का, 17,250 का लेवल मिलेगा, ये मेरे एनालिसिस से कल यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है गिरावट अगर होती रही तो, ठीक है। तो 17,250 के नीचे नहीं जाती है, मुझे लगता है नहीं जाएगी, अदरवाइज बहुत भारी गैप डाउन हो गया या फिर गैप अप हो गया तो लेवल चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे नेक्स्ट सपोर्ट मुझे 17,000 पे ही मिलेगा डाउन साइड में 17,250 के बाद, ठीक है। तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी को लेवल्स जो यहाँ पे मिले हैं वो आप सभी लोग फॉलो की करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस जो हमने किए हैं वो लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे, सारी चीजें जो कुछ भी इस वीडियो में बताया गया है जितना भी कंटेंट वो सारा कुछ एजुकेशनल पर्पज के लिए था। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक मैं बता देना चाहता हूँ भैया, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ ना ही आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है। चलिए दोस्तों, जीरो हीरो के लिए मैं लाइव आऊंगा इसी चैनल के माध्यम से, तो लाइव मार्केट में जरूर जुड़िएगा, वहां पर मैं आप सभी को बता दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे और निफ्टी 50 में बहुत सारे जीरो हीरो अक्सर जीरो हो जाया करते हैं, तो बैंक निफ्टी के एंसर्स वीडियो मैंने डाल दी, उसे देख लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।